हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एचएसएससी में आए हुए रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को और देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए, प्रबल अम्लीय विलयन में सार्वत्रिक सूचक का रंग क्या होता है। क्या कह रहा है ये कि प्रबल अम्लीय विलयन में सार्वत्रिक सूचक का रंग क्या होता है। सार्वत्रिक सूचक बोले तो क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये कह रहा है कि जब हमारे पास प्रबल अम्लीय विलयन होता है तो उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर देता है। तो देखिए आपके सामने जो ये नीचे दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कुछ कलर्स हैं। तो देखिए प्रबल अम्लीय विलयन मीन्स क्या, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन। ये कह रहा है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन इसके अंदर कैसा कलर देगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखिए हमारे को बताता क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक हमें क्या बताता है, ये पीएच डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है, ये पीएच डिटरमाइन करता है सार्वत्रिक सूचक। अब देखिए अगर हमारे पास पीएच होती है 7 तो हम उसे कहते हैं कि क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या कहते हैं, न्यूट्रल है हमारे पास सॉल्यूशन और उदासीन है। अगर पीएच आपके पास 7 से कम है, क्या कहा मैंने, अगर पीएच आपके पास 7 से कम है तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, वो अम्लीय होता है। अब देखिए जब हम इस साइड जा रहे हैं तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इस साइड एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद देखिए अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मीन्स वो कैसा होता है, अल्केलाइन। और आप क्या कह सकते हैं, वो बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक और क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, अल्केलाइन होता है। अब जब हम इधर जा रहे हैं तो हमारे पास बेसिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बेसिक करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए इसने बोला प्रबल अम्लीय विलयन मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि जो एसिड होता है ना उसकी पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। अम्ल का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 से कम। बट उसके बाद देखिए अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक है तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और अगर पीएच की वैल्यू 3 से ज्यादा और 7 से कम है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 3 से ज्यादा और 7 से कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हम दुर्बल अम्ल बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए उसके बाद अगर पीएच की वैल्यू आपके पास है 10 to 14, क्या है, 10 to 14, 10 से लेकर के 14 तक है, तो आप इसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और प्रबल सार। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और प्रबल सार। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा और 10 से कम है, क्या कहा मैंने, अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा और 10 से कम है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वीक बेस। क्या कहते हैं उसे, हम दुर्बल सार कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन आपके इस साइड है तो बताइए कैसा कलर होगा, कलर होगा जी रेड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज लाल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जहां पे इसने प्रबल अम्लीय विलयन बोला है ना, अगर वो आपको ये कह दे कि प्रबल क्षारीय विलयन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर बताइए, तो स्ट्रॉन्ग जब आपके पास बेस होता है तो कैसा कलर है बताओ, प्रबल क्षारीय विलयन में कैसा कलर है, बैंगनी कलर है। ये क्या है, कैसा कलर है, बैंगनी। तो अगर यहां पर प्रबल क्षारीय विलयन दे देता तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, बैंगनी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसे किस, इसको हम बैटरी एसिड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बैटरी एसिड भी कह देते हैं, क्योंकि ये बैटरी में यूज किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, इसे किंग ऑफ एसिड, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है जिसे, इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर में क्वेश्चन आता है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। वो पूछता है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो भी आप क्या कहोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ठीक है, तो ये था आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट जिसका आंसर क्या था, ऑप्शन।
नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोडियम क्लोराइड लवण का जलीय विलयन होता है। कह रहा है जो NaCl सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड का क्या रासायनिक सूत्र है? NaCl। आपसे यह भी पूछ सकता है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। और सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? तो हम इसे क्या कह देते हैं? कॉमन सोल्ट, साधारण नमक भी कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कह देते हैं? इसे रॉक सोल्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसे रॉक सोल्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCl। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो NaCl आप NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं, तो उसका जो ये एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा, सारीय होगा, उदासीन होगा या उभयधर्मी। तो क्या है आपके पास? एक सोल्ट है और इसका कैसा होता है विलयन? ये उदासीन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। तो देखिए कैसे बनता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तब हमें मिलता है क्या जी? तब हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। और आप क्या कह सकते हो इस प्रक्रिया को? क्या, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ये? कि जब एसिड, जब अम्ल है, तो आपको क्या मिलता है? लवण और वाटर मिलता है, ठीक है, पानी मिलता है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब अम्ल सार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है। और इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। और आप कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कह सकते हो? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और क्या कह सकते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछ ले कि उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? जब अम्ल सार से रासायनिक अभिक्रिया करता है, लवण बनता है और वाटर बनता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या था? ऑप्शन सी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु धातु सहकृत्य श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है? क्या पूछा इसने? देखिए धातुओं की सहक्रियता श्रेणी पूछी है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या आनी चाहिए? धातुओं की सहक्रियता श्रेणी के ऑर्डर का पता होना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं हमें एक्टिविटी सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? एक्टिविटी सीरीज की, मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज की। तो एक्टिविटी सीरीज को आप कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। हम बोलेंगे करीना के मंगेतर, ठीक है, करीना के मंगेतर। अब देखिए के मतलब पोटेशियम, ठीक है, करीना के मंगेतर मींस Mg। तो आपके पास क्या क्या आया बोलिए? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। करीना के मंगेतर अली जनाब, अली जनाब, अली मीन्स क्या हमारे पास यहाँ पर? एल्यूमिनियम। जनाब मीन्स हमारे पास क्या? जिंक। तो बताओ इसके बाद क्या आया? आपके पास आया एल्यूमिनियम, फिर आपके पास क्या आया? जिंक। फिर कैसे याद करते हैं? फिर से पब गए, फिर से पब गए। फिर से मतलब क्या? आपके पास आयरन, से का मतलब टिन, पब गए, ठीक है। तो पब का मतलब आपके पास क्या होता है? पी बी, लेड। तो आपके पास क्या आया देखिए, इसके बाद आयरन, फिर क्या आया? टिन, फिर क्या आया आपके पास? लेड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हाइड्रोजन। फिर कहते हैं क्या? कॉपर मरकरी चुराने नहीं, ठीक है, कॉपर मरकरी चुराने नहीं, क्या चुराने गए थे? वो तो सोना चांदी, ठीक है। तो आपके पास सोना चांदी। तो क्या हुआ देखिए, क्या आया इसके बाद यहां पर? कॉपर, फिर क्या आया? मरकरी, फिर क्या आया? चांदी, फिर क्या आया? सोना। और सोना के बाद आपके पास क्या आती है? प्लेटिनम। क्लियर? तो ये सिंबल है, ये सिंबल भी हमें पता होने चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये धातुओं की सहक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी सहक्रियता डिक्रीज हो रही है। मींस हम कहते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन हुई? पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हुई? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु अगर आपसे पूछे तो क्या आंसर आएगा? प्लेटिनम। ये आपके पास क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील धातु, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो क्या आंसर आएगा? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो क्या आंसर आएगा? प्लेटिनम। बट हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ढूंढो कहां है हाइड्रोजन। ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर है। आपके ऑप्शन देखिए, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag, प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है? Pt, और कॉपर आपके पास क्या होता है? Cu। अब बताइए हाइड्रोजन से ऊपर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है, तो आप क्या देख रहे हैं? जिंक। जिंक की सिर्फ किससे ऊपर है? हाइड्रोजन से ऊपर है, बाकी सब हाइड्रोजन से नीचे है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो देखिए इससे क्वेश्चन जो एक्टिविटी सीरीज से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा जो हमारे स्क्रीन पे है, एक वे ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? प्लेटिनम। या फिर वो क्या करता है, इसी तरह से आपको ये फोर ऑप्शन दे देगा और कहेगा इन फोर में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। अब आप देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, जो ऊपर है, तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन है? जिंक। तो इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुई? जिंक। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो चेक कीजिए कौन सी है? प्लेटिनम। तो फिर हमारे पास आंसर इसका क्या होता? प्लेटिनम होता, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन फोर आपके सामने है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या होता है जब कॉपर धातु के एक टुकड़े को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाता है? क्या कह रहा है? देखिए सुनिए, कह रहा है आपके पास जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिंक सल्फेट क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, ये रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। कह रहा है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन था आपके पास और इसके अंदर आपने किसकी धातु रखी? आपने कॉपर धातु रखी है। तो कह रहा है बताइए क्या होगा। देखिए ये ऐसे कह रहा है, आपने कॉपर लिया, इसे जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में रखा, तो आपके पास क्या होगा? कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, कॉपर जिंक को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो देखो ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये भी हमें कौन बताती है? एक्टिविटी सीरीज बताती है, जो हमने अभी पढ़ी पीछे। तो एक्टिविटी सीरीज क्या थी, जल्दी से बोलिए, आपके पास क्या थी? अगर आपको याद हो, करीना के मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए, ठीक है, कॉपर मरकरी नहीं चांदी सोना चुराने, ठीक है। ये थी जी आपके पास एक्टिविटी सीरीज, हमें तो याद हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो आप देखिए कॉपर कहाँ है, ये रहा हमारे पास कॉपर, और जिंक कहाँ है आपके पास, ये रहा जिंक। अब आप बताइए कॉपर और जिंक में से किसकी सक्रियता ज्यादा है इस एक्टिविटी सीरीज में देख करके, तो कौन ज्यादा सक्रिय है? जिंक। कॉपर क्या है? जिंक से कम सक्रिय है, कम एक्टिव है। तो बताओ क्या कॉपर जिंक को विस्थापित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर की एक्टिविटी जिंक से कम है, इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फोर का? ऑप्शन ए, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि आपके पास जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा गया है, तो बताओ क्या होगा? तब आपके पास क्या होता? देखिए जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, खुद इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तब हमारे पास क्या आंसर होता कि जो जिंक है ना वो किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते क्या हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और आप कह सकते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक
जो मेटल ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए एक्टिविटी सीरीज से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, और वो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 देखिए। सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु, अधातु क्या, नॉन मेटल, ठीक है। तरल अवस्था मीन्स क्या पूछ रहा है जी, लिक्विड स्टेट में, किसमें पूछ रहा है, लिक्विड स्टेट में। तो ये कह रहा है उस धातु का नाम बताइए जो सामान्य अवस्था में, तरल अवस्था में, जो तरल में पाई जाती है, ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाती है सामान्य परिस्थितियों में। तो क्या होगा आपके पास इसका आंसर, ऑप्शन डी, दैट इज द ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, Br होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि नेम द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन का क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि ब्रोमीन जो अधातु है उसका कलर कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है। तो जो ब्रोमीन है ना वो रेडिश ब्राउन होती है, क्या होती है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की होती है, और जनरली आपको ऑप्शन में लाल रंग ही दिया मिलता है। तो ब्रोमीन जो लिक्विड है इसका कैसा रंग होता है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास, अब ये तो था आपके पास कि ए धातु ऐसी कौन सी है जो सामान्य परिस्थितियों में किसमें है, तरल अवस्था में। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उस धातु का नाम बताइए जो सामान्य अवस्था में, तरल अवस्था, सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, तो अगर वो आपसे धातु पूछ ले, वो कहे नेम द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो मेटल कौन सी होती है जी, वो होती है मरकरी, जिसे हम पारा कह देते हैं, और क्या सिंबल होता है उसका, Hg, क्या सिंबल होता है, Hg। क्लियर, ये था। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन बी में क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, कि चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है। तो चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी हुई होती है जी, नाइट्रोजन फिल होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 क्या है। पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से मिलने वाली सबसे भारी धातु मीन्स सबसे बड़ी परमाणु संख्या वाले तत्व का नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर ये क्वेश्चन आसान तब बनता है जब आपको ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इन सब की परमाणु संख्या याद हो, इन सब के एटॉमिक नंबर आपको पता हो। तो देखिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, प्रोमिथियम का सिंबल क्या होता है, Pm, नेप्ट्यूनियम का सिंबल क्या होता है, Np, यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, U। बट ये कह रहा है कि ज्यादा परमाणु संख्या वाला बताना है आपको तत्व, तो परमाणु संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं जी, जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब आपको इनकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, 1। उसके बाद आपके पास क्या था, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी, 92। प्रोमिथियम की परमाणु संख्या होती है 61, और नेप्ट्यूनियम की कितनी होती है, 93। तो अब तो मेरे को लगता है आप आंसर बता देंगे, बोलिए अब क्या आंसर होगा, किसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी परमाणु संख्या वाला तत्व पूछा है इसने, तो कौन सा है, ऑप्शन डी, नेप्ट्यूनियम, क्या आएगा आपके पास, नेप्ट्यूनियम। और देखिए ये जो 3 धातु है कौन कौन सी हमने पढ़ी, प्रोमिथियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, ये सभी रेडियो एक्टिव है, क्या है, ये रेडियो सक्रिय है, ठीक है, सभी रेडियो एक्टिव होती हैं। अब देखिए यूरेनियम से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम धातु का अयस्क बताओ, किसका, यूरेनियम धातु का अयस्क बताओ। तो यूरेनियम धातु का अयस्क होता है जी, यूरेनियम मेटल का और होता है पिच ब्लेंड, क्या होता है, पिच ब्लेंड, और इसका सूत्र क्या होता है पिच ब्लेंड का, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है U3O8। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या है। बिजली के बल्ब में किस तंतु से, बिजली का बल्ब किस तंतु से बना है। देखिए जो कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल से बना हुआ होता है। ऑप्शन देखिए, आयरन, ठीक है, आपके पास क्या है, नाइक्रोम, ठीक है, क्या है आपके पास, नाइक्रोम। उसके बाद आपके पास क्या है, कॉपर, और उसके बाद आपके पास क्या है, टंगस्टन। तो
इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर इसके नाम ना देके आपको सिंबल मिल जाए, तो आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन मेटल का ही क्यों बना हुआ होता है? तो टंगस्टन मेटल का इसलिए बना होता है कि जो टंगस्टन धातु होती है ना, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। कितना होता है जी? वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। और आपको हो सकता है ऑप्शन में 3500 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3500 डिग्री सेल्सियस। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो टंगस्टन धातु है उसका गलनांक बताइए, तो आपको ऑप्शन में आपको देखना है कि 3422 डिग्री सेल्सियस मिलता है, कई बार ऑप्शन में 3500 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है। तो टंगस्टन धातु जो है उसका फिलामेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है देखिए, जल उपचार के लिए ओजोन के उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल उपचार के लिए, कहने का मतलब क्या है? जब हम पानी के अंदर डालते हैं ना दवाई पानी को साफ करने के लिए, तो कह रहा है जब पानी के अंदर हम ओजोन डालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। अब जब हम इसको पानी में डालते हैं और पानी को साफ करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, आप ऑप्शन गैस कर सकते हो। ओजोन, तो आप ऑप्शन गैस करो तो क्या होगा? ओजोनाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 8 का ऑप्शन ए हुआ। अब बात करते हैं, देखिए पानी के उपचार के लिए ना हम दो तरह की प्रोसेस जनरली यूज करते हैं, जिसमें एक आप पढ़ते हो क्लोरीनेशन। क्या पढ़ते हो? क्लोरीनेशन। और एक हम क्या पढ़ते हैं? ओजोनाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? ओजोनाइजेशन। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में से कौन सी प्रक्रिया बेटर है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोरीनेशन और ओजोनाइजेशन में से कौन सी प्रक्रिया बेटर है? तो कौन सी प्रक्रिया बेटर होती है? ओजोनाइजेशन। कौन सी अच्छी होती है? ओजोनाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है? ये हाईली रिएक्टिव होती है, और कीटाणुओं को मारने की कैपेसिटी ओजोन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लियर? क्या कहा मैंने? कीटाणुओं को मारने की कैपेसिटी ओजोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, और पीछे जो हमने हमारे क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे था कि सोलर सेल के अंदर किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि जो सोलर सेल है उसके अंदर कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा तत्व था? मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, सै से सौर और सै से सिलिकॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन होती क्या है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, आप कह सकते हो अर्धचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? अर्धचालक। हमारे पास जनरली दो अर्धचालक होते हैं, एक होता है जी सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। सिलिकॉन मेटलोइड भी है वैसे, हमारे पास उपधातु भी है सिलिकॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा आहार में नमक का उपयोग नहीं है? कह रहा है जो हमारा फूड होता है ना, फूड खाना, उसके अंदर सोल्ट का क्या यूज नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको ये बताना है कि किसके अंदर सोल्ट का यूज नहीं होता है, ये बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, खाना पकाने की प्रक्रिया को सरल करना। कह रहा है जो नमक होता है ना वो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है ना उसको इजी बना देता है। ऑप्शन बी क्या है, नमक शरीर में पानी को बनाए रखने में मदद करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, जो नमक है उससे हमारे बॉडी में क्या होता है? वाटर बैलेंस रहता है। ये तो सही हुआ, इसने हमसे क्या पूछा है? नहीं है। उसके बाद देखिए नमक मस्तिष्क के संकोचन को उत्तेजित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, नमक में पाचन तंत्र
के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कह रहे जो सोल्ट है ना, इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बताइए ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल गया कि नमक के क्या क्या यूज है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और खाना बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, नमक खाना बनाने की प्रक्रिया को इजी नहीं बनाता है, कोई यूज नहीं है खाना बनाने में कि इसको इजी बना रहा है या फिर मुश्किल बना रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 क्या है आपके सामने, पानी के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रोगाणुनाशक। कह रहे हैं पानी के अंदर जो रोगाणु होते हैं उनको मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर। बी क्या आपके पास, डेटोल। सी आपके पास क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। और डी है क्लोरोहेक्सीडीन। पहले तो आप इनके फॉर्मूले देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या होता है CaOCl2। रासायनिक नाम बताइए तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद देखिए आपके पास है डेटोल। डेटोल किसका काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। किसका काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। और पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डेटोल किसका मिक्सचर है, तो डेटोल किस चीज का मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइलिनोल। ठीक है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एंटरपिनियोल जो डेटोल होता है वो किसका मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, ये होता है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या था कि पानी के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रोगाणुनाशक, तो हमारे पास क्या होता है वो हम जानते हैं अच्छे से, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 11th का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। डेटोल क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, और डेटोल किस चीज का मिक्सचर है, तो डेटोल क्या है, क्लोरोजाइलिनोल एंटरपिनियोल का मिक्सचर है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, क्लोरीन एक कीटाणुनाशक के रूप में अविशोषणीय है जब पानी का पीएच मान इससे अधिक हो जाता है। इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जल के उपचार में हम दो प्रक्रिया यूज करते हैं, एक होती है ओजोनाइजेशन, एक होती है क्लोरीनेशन। ये कह रहा है कि क्लोरीनेशन हम जब यूज करते हैं तो पानी के अंदर क्लोरीन का कितना पीएच वैल्यू ज्यादा होने से वो हमारे लिए क्या हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है। एक अमाउंट तक क्लोरीन का पीएच रखना जरूरी होता है हमें पानी का, अगर उससे ज्यादा क्लोरीन का अमाउंट वाटर में हो जाता है तो हमारे सेहत के लिए क्या होता है, वाटर नुकसानदायक होता है। तो कह रहा है कीटाणुनाशक के रूप में अविश्वसनीय कब हो जाती है क्लोरीन, जब पानी का पीएच कितने से बढ़ जाए। आपको अगर चेक करना है, मान लो हमारे घरों में पानी आ रहा है और हमें ये चेक करना है कि ये पानी हमारे पीने लायक है या नहीं, क्योंकि जो घरों में पानी आता है वो क्लोरीनेट होके ही आता है, तो आप उसकी क्या चेक करेंगे, पीएच चेक करेंगे। अगर उस वाटर की पीएच कितनी होती है, 8.5 से ज्यादा हो जाती है, तो वो पानी हमारे पीने लायक नहीं होता, वो पानी अविश्वसनीय बन जाता है। ठीक है, तो इस 12 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ 8.5। क्लियर, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन, देखिए जब गैस तरल पदार्थ में रूपांतरित होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आप गैस किसमें चली जाती है, लिक्विड में चली जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, हम पढ़ते हैं पदार्थ, क्या पढ़ते हैं हम पदार्थ, हम बोलते हैं पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, जिसमें आपके पास क्या आता है, ठोस, तरल और क्या आता है आपके पास, गैस। ठीक है, मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। वैसे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, आपको ध्यान रखना है, 5 प्रकार के होते हैं, जिसके पास आपके पास 4th टाइप आता है, दैट इज द प्लाज्मा। ठीक है, और 5th टाइप आता है BEC, जिसे हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है, तो जो मैटर होता है वो कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप का, विच वन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मुख्यतः थ्री टाइप्स का होता है। वैसे मैटर पांच स्टेट में पाया जाता है। फोर्थ स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जब गैस से लिक्विड बनता है तो हम प्रोसेस पढ़ते हैं। देखिए हम बोलते हैं सॉलिड, ठोस, ठोस से तरल बनना, ठीक है, और फिर तरल से क्या बनना? गैस बनना। अब ध्यान से सुनिए, अगर लिक्विड से गैस बनता है तो हम बोलते हैं क्या उसे? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं हम उसे? वाष्पीकरण बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर गैस से लिक्विड बनता है, इसका उल्टा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो मेरे को उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जब गैस से लिक्विड बन रही है, बताओ क्या आंसर आएगा? संघनन, ऑप्शन ए। ठीक है, बट अगर हम किस पे जाते हैं? सॉलिड से गैस बनती है। क्या कहा मैंने? अगर सॉलिड से गैस बनती है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है, और आप क्या कह सकते हैं? इसे कहा जाता है ऊर्ध्वापातन। क्लियर, ये भी ध्यान रखना है। फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, जमाव। जमाव क्या होता है? देखिए जमाव क्या होता है? जब हमारे पास क्या होता है, लिक्विड किस में जाता है? सॉलिड में। तरल से जब क्या बनता है? ठोस बनता है, उसे हम जमाव कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। हम कहते नहीं कि हम पानी से बर्फ जमाते हैं, तो वो जमाव ही तो हुआ। पानी क्या था? तरल, और बर्फ क्या थी? ठोस थी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14। देखिए क्वेश्चन 14 क्या है। निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? क्वेश्चन किससे आया है? सीमेंट से आया है। कह रहे निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सीमेंट की कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि सीमेंट किन किन चीज से मिलकर के बनती है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ सीमेंट के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं सीमेंट जो है, एक वर्ड किसने दिया? ये दिया जोस एस्पिडिन ने। किसने दिया? जोस एस्पिडिन ने दिया। कब दिया जी? ये दिया जी 1828 में। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए सीमेंट की क्या कंपोजिशन होती है आपके पास? सीमेंट की कंपोजिशन में अगर हम बात करें, आपके पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कितना? 60-70%। उसके बाद आपके पास होता है एलुमिना। क्या होता है? एलुमिना, कितना? ठीक है, तो आपके पास होता है 12-20%। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है? सिलिका, Si2 को क्या बोलते हैं हम? सिलिका बोलते हैं। ये कितना होता है? 8-10%। एलुमिना का क्या फॉर्मूला होता है? एलुमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, तो आप ही बताइए इसको देख करके कौन सा मुख्य घटक है, जिसका जिसकी परसेंटेज क्या होगी? ज्यादा होगी। तो किसकी परसेंटेज ज्यादा है? कैल्शियम ऑक्साइड की। तो ऑप्शन क्वेश्चन 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम भी कह देते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं? लाइम भी कह देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्लियर, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 क्या है। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कह रहा है जो एलिमेंट्स है ना, हम उनको क्लासिफाई करते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो किस रूप में करते हैं? ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास टोटल एलिमेंट एट प्रेजेंट कितने हैं, कुल तत्व हमारे पास वर्तमान में कितने हैं? तो है जी हमारे पास 118। ठीक है, अब कह रहा है कि गुणों के आधार पर, तो कह रहा है ऑप्शन देखिए क्या है, धातु या पत्थर। आपने कभी देखा कि जो तत्व थे वो पत्थर की फॉर्म में कैटेगराइज हो रखे हो? ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, अणु या परमाणु, ये भी नहीं पॉसिबल है। अम्ल या लवण, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, धातु एवं अधातु। ये बात किसने दी थी कि जो तत्व है ये गुणों के आधार पर दो चीजों में कैटेगराइज होते हैं, एक आपके पास होता है मेटल और एक आपके पास क्या होता है? नॉन मेटल। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, ये बात लिवोसियर ने कही थी। किसने कही थी? लिवोसियर ने। ये ना हमारे आवर्त सारणी वाले चैप्टर में आता है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, लिवोसियर ने कहा था कि हम एलिमेंट्स को दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द मेटल एंड अनदर इज द नॉन मेटल। ठीक है, और लिवोसियर किस, लिवोसियर का क्या कहा जाता है? लिवोसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या आएगा? लिवोसियर जी को कहा जाता है। आप ये कह सकते हो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो कौन है? लिवोसियर है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कौन सी प्रक्रिया हुई है ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन का है रासायनिक परिवर्तन होता है तब कौन सी प्रक्रिया हुई है। तो सिंपल सी बात है, वैसे तो आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो कौन सी अभिक्रिया हुई होगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर हम ऑप्शन से अगर गैस करें तो रासायनिक, रासायनिक, ठीक है। बट बात करते हैं कि होती क्या है ये। देखिए दो तरह के चेंज पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं केमिकल चेंज, एक पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। मींस एक हम क्या पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन और एक हम क्या पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। क्या होते हैं ये देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है बट उसका कलर, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, उसकी संरचना चेंज नहीं होती। जैसे कैसे बात करती हूँ, हमने बोला हमारे पास पानी था और हम क्या, ठीक है। तो आप बताइए बर्फ का सूत्र भी क्या रहने वाला है, H2O, क्योंकि बनी तो पानी से ही है और पानी का सूत्र भी क्या होता है H2O होता है। तो फॉर्मूला तो सेम रहा ना, बस क्या हो गई स्टेट चेंज हो गई, ये लिक्विड था और ये क्या हो गई सॉलिड हो गई। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं जी, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, समझ आई बात। बट केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज में तो हमें एक नया कंपाउंड मिल जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं हमारे डेली लाइफ का, तो क्या दूध से दही का जमना, ठीक है, क्या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो दूध से दही का जमना, अब पहले आपके पास क्या था, दही था, दूध था, और फिर आपके पास क्या बना, दही बना, तो कंपोजिशन टोटली क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन जहां होता है उसे आप क्या कहते हो, रासायनिक अभिक्रिया, और भौतिक परिवर्तन जहां होता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया। तो अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्या है, मैंने आपको बताया क्या ये वाला, क्या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना। दूसरा उदाहरण आपके पास हो सकता है दूध खट्टा होना, सोरिंग ऑफ मिल्क। तीसरा आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, समझ आई बात क्या बताना चाह रही हूं मैं, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु त्रिसंयोजी है, अधातु त्रिसंयोजी है, अधातु बोले तो क्या नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल, त्रिसंयोजी पूछा है। पहले तो आप देखिए ऑक्सीजन है आपके पास, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। अब आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी धातु या अधातु जो भी है वो त्रिसंयोजी है या द्विसंयोजी है, ठीक है, मतलब वो कैसा बॉन्ड बनाती है, वो ये पूछ रहा है कि ये धातु कैसा अबंध बनाती है। तो ये चीजें हम तभी बता सकते हैं जब हम इनका क्या पता हो, इनकी परमाणु संख्या पता हो। चलो देखिए, तो इसका वैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। कैसे होती है बात कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या होती है 7, कितनी परमाणु संख्या होती है 7 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2-5, ये होती है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है देखिए, जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ लिखते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो बाहर वाली सेल में है, तो कितना है 5, 1, 2, 3, 4, 5 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, 1, 2, 3, 3, 4, 5। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट ये कोशिश करता है कि उसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, मींस उसका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, उससे वो क्या रहता है स्टेबल। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 5, और ये कितना बनाना चाहेगी 8 बनाना चाहेगी, तो 5 तो इसके पास थे और 3 ये इससे ले लेगी, क्या करेगी ये 3 इससे ले लेगी, तो ये बन गया जी, ये इसने 3 लिए, तो इस नाइट्रोजन के तो 8 पूरे हो गए। अब ये नाइट्रोजन कहती है मैं रह गई, तो इसके पास कितने थे 5 थे, तो ये भी 3 इससे ले लेगी, क्लियर, समझ आई बात, इसके भी 8 हो गए। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया इन्होंने, शेयर कर लिया, और कैसा बॉन्ड बना देखना, कैसा बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड बन गए जी 3 बन गए, त्रिसंयोजी है ये, ठीक है, क्या बन गया आपके पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन बन गया,
ठीक है। और ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बना हो, जो किससे बना हो, शेयरिंग से बना हो, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर हम पढ़ते हैं ना रसायन विज्ञान में, उससे संबंधित है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी, नाइट्रोजन। और जो ऑक्सीजन होता है ना, ये होता है द्विआबंध। क्या होता है ये? द्वि संयोजी होता है ये, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑक्सीजन क्या होती है? द्वि संयोजी होती है। क्लियर? तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 है आपके सामने, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एस्टर का सूत्र दर्शाता है? कह रहा है आपको चार ऑप्शन दिया गया है और इनमें से कौन सा एस्टर है। तो देखिए ये क्या है आपके पास जी? ये आपके पास है क्रियात्मक समूह। क्या है ये? क्रियात्मक समूह है, तो फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको इसके लिए पहले मैं एक टेबल बताती हूँ, एक सारणी बताती हूँ। वो सारणी आपको याद होनी चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह के। तो देखिए सारणी क्या है हमारे पास, अगर आपके पास ग्रुप होता है ये वाला OH, तो इसे क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। होता है CHO, तो इसे क्या कहा जाता है जी? इसे कहा जाता है एल्डिहाइड। अगर आपके पास ग्रुप है CO, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कीटोन। क्या कहा जाएगा? कीटोन। अगर आपके पास है ये वाला ग्रुप COOH, तो इसे क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आप क्या कह सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ग्रुप है COOR, तो इसे कहा जाता है जी एस्टर। क्या कहा जाता है इसे? एस्टर कहा जाता है। और अगर आपके पास ग्रुप है OR, ठीक है, तो इसे कहा जाता है इथर। क्या कहा जाता है इसे? इथर कहा जाता है। देखिए ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तो इसने किसका ग्रुप पूछा है? एस्टर का पूछा है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर ये कीटोन का पूछ ले, ये एल्डिहाइड का पूछ ले, इथर का पूछ ले, तो आपको ये सारणी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर से है। तो बताइए अब जल्दी से, एस्टर का सूत्र कौन सा है? क्या है एस्टर? ये रहा एस्टर। क्या हुआ? COOR। ढूंढिए कहां है COOR, तो ये रहा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आया आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप है बता दो जल्दी से मुझे। CO, CO ग्रुप आ गया ना इसमें, कौन सा ग्रुप है फटाफट बोलिए। क्या है ये? कीटोन है जी, क्योंकि हमें तो अब टेबल याद हो गई है। ठीक है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है? OR, बोलिए कौन सा है। तो ये आपके पास कौन सा है? इथर। अब बात आती है RH, RH जो होता है ना इसे कहते हैं अल्केन। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसे? अल्केन। तो ये आपके पास अल्केन होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 18, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CH3OCH3 का आइसोमर है? क्या पूछा है इसने? आइसोमर पूछा है। देखिए आपके पास एक नई टर्म आ चुकी है कि जो CH3OCH3 का आइसोमर कौन सा है। तो आइसोमर तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें आइसोमर टर्म क्लियर होगी। तो देखिए आइसोमर होते क्या हैं, क्रियात्मक समावयव क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइसोमर क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या कहा? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। आप कह सकते हैं जिनका आणविक सूत्र सेम होता है। क्या सेम होता है? आणविक सूत्र। और जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। क्या कहा मैंने? जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। मींस आप क्या कह सकते हैं, संरचनात्मक सूत्र क्या हो जिसका अलग हो। तो आइसोमर क्या होते हैं? जिनका आणविक सूत्र सेम और जिनका क्या हो, संरचनात्मक सूत्र अलग हो। तो अब आप कहेंगे कैसे जी, आणविक सूत्र सेम कैसे? तो देखिए आप इसका आणविक सूत्र लिखिए, कैसे लिखते हैं देखिए, कितने कार्बन है? एक दो। तो आप इसको क्या लिखेंगे? दो कार्बन C2। कितने हाइड्रोजन है देखना? थ्री और थ्री सिक्स। तो आप क्या लिखेंगे? C2H6। और कितना ऑक्सीजन है? O। ये होता है जी आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप देखिए इनमें से कौन सा ये फॉर्मूला बना रहा है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो बनाते हैं फॉर्मूला। A को देखिए, A क्या बना रहा है, कितने कार्बन है? 1, 2, 3। तो आप क्या लिखोगे? C3। कितने हाइड्रोजन है? 6। और कितनी ऑक्सीजन है? 1। तो बताइए क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा।
ऑप्शन बी का बनाइए, फॉर्मूला क्या है आपके पास? क्या है ऑप्शन बी का फॉर्मूला? दो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? छह है और एक ऑक्सीजन, ये मैच कर गया तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। अगर आइसोमर पे क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। आपको समझ में आ गया होगा ना कि आइसोमर क्या होता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो आप इसका फॉर्मूला राइट कर ले और फिर ऑप्शन से भी फॉर्मूला देखें, जिनका फॉर्मूला सेम है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? अब देखिए यहां से क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह है, बोलिए कौन सा क्रियात्मक समूह है ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए में कौन है? कीटोन। कौन है ऑप्शन ए में? कीटोन है। ऑप्शन बी में कौन है? अल्कोहल। कौन है ऑप्शन बी में? अल्कोहल। ऑप्शन सी में कौन है आपके पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन डी में आपके पास कौन है? एल्डिहाइड। अभी अभी तो मैंने पीछे ये बताई थी आपको टेबल, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, क्लियर है? अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 20, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन 20 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन 20 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है? तो देखिए क्वेश्चन हमारा किससे है? क्वेश्चन हमारा आया हाइड्रोकार्बन से। किससे आया है? हाइड्रोकार्बन से आया है। कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है? तो सुनिए ध्यान से, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ठीक है, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। और हमारे पास हाइड्रोकार्बन कितने हैं? टू टाइप के हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड, एकल आभन। और जो आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मीन्स जिसमें या तो द्वि आभंध हो या क्या हो, त्रि आभंध हो। तो असंतृप्त कौन सा होगा? देखिए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बेंजीन। क्या होता है बेंजीन? पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र बताइए, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखिए बेंजीन का, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये होता है बेंजीन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। तो बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और मैंने आपको बोला जिसमें या तो द्वि आभंध हो या त्रि आभंध हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लियर? तो ये थे हमारे पास आज के 20 क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।